हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ, जैसे कि अभी सुबह के 6 बज रहे और बहुत बारिश हो रही है। रात भर दिन भर हमारे यहाँ पे बारिश हुई है, अभी भी हो रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत हवा भी चल रही है। तो अगर आपके पास छोटी सी गार्डन है, यानी बालकोनी गार्डन है, तो आप उसमें कैसे पौधे एडजस्ट कर सकते हो, कैसे आप रख सकते हो और अपने शौक पूरे कर सकते हो, तो इसी वीडियो में जानेंगे। तो मैं आप सबको अभी आइडिया देने वाली हूँ कि आप सब कैसे एडजस्ट करना चाहते हो अगर आप प्लांट लवर हो। तो सबसे पहला बात, देख सकते हो यहाँ पर मेरे मिनी चांदनी का प्लांट है, यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए, मैं इसके सपोर्ट से मैंने इसे यहाँ पर हैंग करके रखी हूँ, जो कि स्पाइडर प्लांट है, ये देखिए। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हो, जैसे हैंगिंग बास्केट है, छोटी सी पॉट है, तो उसको बड़े पॉट के सपोर्ट से लटका सकते हो। और इसे भी मैंने रस्सी से बांध कर लटकाया है वहाँ पर, काटी ठुकी हुई है। और नेक्स्ट हमारा जो देख रही है, बेबी डियर का प्लांट है, इसे मैंने इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखा है। और वहाँ पर जो है काटी ठुकी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। और ये प्लांट बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा। नेक्स्ट हमारा जो देख रहे हो, ये है वेरेंजू का प्लांट, जो कि इस बोटल्स में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बोटल्स में आप लगा सकते हो, जैसे स्प्राइट स्लाइस वाले बोटल्स होते हैं। और ये भी मैंने यहाँ पर कांटी ठोक कर इसे यहाँ पर लटका कर रखा है। और इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे तरीके से ये हो रहे, जैसे कि हमारे गार्डन में कुछ तो अच्छे लग रहे। ये देखिए, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है मेरा एक्सोरा का प्लांट है, जैसे कि ये जो बालकोनी वाले दीवार है, ये दीवार है, तो ये 5 इंच की दीवार है दोस्तों। इस पे मैंने एक एक पॉट रखा है। और जगह नहीं होने के कारण मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये कोलियस का कटिंग है, इसे मैंने लगाया है यहाँ पर। मधुमालती की कटिंग मैंने लगा कर रखा है। तो जैसे कि आप फूलों वाले पॉट जो होते हैं उस पर ही कटिंग आप इस तरीके से लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ पर ये आपका अलमांडा का प्लांट है, ये देखिए यहाँ पर। और इसमें ही मैंने चांदनी का प्लांट को लगाया है, जो कि ये लग चुकी है। और जैसे कि मैंने ये बोटल्स में कटिंग लगा कर रखी थी, तो यहाँ पर देखिए एक्सोरा का जो प्लांट है लग चुकी है और इसमें कलियां भी बन चुकी है। जो प्लांट खराब हो गए हैं, तो इस तरफ से देखिए काले काले पड़ गए हैं। अगर आप ऐसे काले पड़ गए, खराब हो गए हैं कटिंग, तो आप निकालोगे तो दूसरी कटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको नहीं निकालना चाहिए। और आप इस तरीके से रख सकते हो, जैसे कि ये वाला पॉट है, इसके अंदर ये छोटे से डिस्पोजल ग्लास या फिर बोटल्स में आपने कटिंग लगा कर रखा, तो इस तरीके से लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या किया, जो हमारे पास कलंचों की जो पौधे होते हैं, जो विंटर में फ्लावरिंग होती है, और इसमें ही मैंने लगा कर रखा है। ये देखिए, ये तो प्लांट बहुत बड़ा सा है, पर ये छोटा सा है, ये छोटू सा ही रहता है, इसलिए मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो देख रहे हो, देखिए ये लालसा है, ये छोटे से पॉट में लगी हुई है और इसमें कुछ कटिंग्स भी मैंने लगा कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये लालसा का जो पॉट है, इसमें मैंने ये बड़े वाले पॉट में इसे डाल दिया है। और यहाँ पर भी जो है बहुत सारी कटिंग मैंने लगा कर रखा है अलमांडा की, जो पॉली बैग में है, और इसे भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये वाला जो है पिंक वाला हिबिस्कस का प्लांट है, पिंक वाला, तो ये वाले पॉट में है। और देखिए, आपको अगर छोटे छोटे बोटल्स में और भी वैरायटी ऐड करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है मैंने काटी ठोक दिया और इसमें बोटल्स में जो है मैंने कोलियस का प्लांट लगाकर यहाँ पर दीवारों में लटका दिया है। ये देखिए, और एक वैरायटी यहाँ पर है, ये देखिए, इसे मैंने पिंचिंग कर करके इतना घना बनाया है। और इसकी बहुत सारी कटिंग भी लगाई थी दोस्तों। पिंचिंग कैसे करना है, ये देखिए, इस तरीके से आप ऊपर की टिप कट करके कटिंग लगा लो। इतनी छोटी तो कटिंग लगेगी नहीं, इससे बड़ी कटिंग ले लो, या फिर आप पिंचिंग करके छोड़ दो, ये प्लांट हमारा घना हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी सारे हैं, ये भी कोलियस का वैरायटी है, और मैंने इस तरीके से ही दीवारों पर लटका के रखा है। तो इस तरीके से आपको अगर आइडिया पसंद है, तो आप बालकोनी गार्डन में कांटी ठोक कर छोटे छोटे बोटल्स में ये सब प्लांट को ऐड कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा देखिए ये हिबिस्कस का प्लांट है, यहाँ पर मैंने देखिए रस्सी बांधी है, इस रस्सी में ही मैंने इस वाले पॉट को लटका कर रखा है जो कि ये विनका का कटिंग मैंने इसमें लगाया है। दोस्तों ये देखिए ये एक है और ये एक है, तो मेरे विनका के चार प्लांट पांच प्लांट रेडी हो चुके हैं कटिंग से, ये रेड वाले है और हाइब्रिड वाले है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो अपने पौधे को। नेक्स्ट हमारा जो देख रहे हो देखिए यहाँ पर गार्डन जू का जो प्लांट है मैंने इसमें लगाया छोटे से बोटल्स में, ये देखिए यहाँ पर जो है मेरे जिसे बेली का फ्लावर बोलते हैं इनकी ग्रोथ तो कुछ रुक सी गए हैं, तो इसमें ही मैंने देखिए इस वाले बोटल्स को रख दिया है यहाँ पर, जैसे कि बड़े पॉट में छोटे पॉट को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी मैंने रखा है हिबिस्कस का पौधा है, यहीं पर मैंने रख दिया है, और ये सब छोटे छोटे पॉट में मेरे यूफोर्बिया का प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए विनका का प्लांट भी यहाँ पर है आप देख सकते हो, और देखिए यहाँ पर जो है मेरे रोज प्लांट है, इस पे रोज प्लांट पे ही मैंने यहाँ पर देखिए ये चांदनी का प्लांट को रखा है जो कि ये कटिंग से लग चुकी है और इनमें जो देखिए बहुत सारे जो है जड़ बन चुके हैं, ये देखिए, तो इसे मैं इसमें ही इस तरीके से रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर और उतनी जगह नहीं है, और ये 5 इंच की जो दीवार है इस तरीके से आए हैं तो उस पर मैंने ये वाला नेट को डाला है खरीद कर, जैसे कि और भी मेरे पास पॉट का जगह हो जाए तो इसे मैंने खरीद कर लाकर सपोर्ट दिया है, नहीं तो फिर और इतने अगर मैं इसे नहीं लगाती तो मेरे पास और उतनी जगह भी नहीं होती तो मैं एडजस्ट भी नहीं कर पाती। नेक्स्ट हमारा जो देख रहे हो यहाँ पर है, नेक्स्ट हमारा जो देख रहे हो ये फाइकस का प्लांट है, इसे भी मैंने देखिए दीवारों पे लटका के रखा है, यानी कि ये साइड पे भी मैंने प्लांट को ऐड किया है, छोटे छोटे पॉट में बीच बीच में डाल दिया है, ये देखिए ये फाइकस का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से ही रेडी किया है, छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए इसे भी मैंने यहाँ पर रस्सी बांध दिया है, इस तरीके से रस्सी जो है यहाँ गए है और रस्सी में ही मैंने इसे हैंगिंग बास्केट को लटका कर रखा है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये है आपका रियो का प्लांट है, इसे भी मैंने कांटे ठोक कर यहाँ पर लगाया है, रियो की ये वाली भी वैरायटी है मेरे पास, ये नर्सरी से मैं खरीद कर लाई थी और सिर्फ की कटिंग है जो वो लगी हुई है। यहाँ पर भी देखिए मैंने कोलियस का जो प्लांट है दीवारों पर लटका के रखा है, ये बोतल्स में लगे हुए हैं पर यहाँ पर धूप नहीं आने के कारण जो है इनका कलर बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहे, तो और यहाँ पर भी जो है देखिए रियो का प्लांट है, इसमें से ही मैंने कटिंग लेकर लगाया है, ये देखिए यहाँ पर रियो का प्लांट, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने कांटे ठोका है दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर जो देखोगे तो मनी प्लांट है, मनी प्लांट को भी मैंने इस तरीके से यहाँ पर लटकाकर, और इनकी जो जब ग्रोथ हो रही है तो मैं ये दरवाजा जो है गेट है, गेट का मतलब ये पाई है, उस पर ही मैं इसे इस तरीके से चढ़ा दूंगी, और यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर भी मनी प्लांट है, ये देखिए इस कॉर्नर में मैंने इस मनी प्लांट को लगा कर रखा है जो एक इधर जा रही है और एक इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो आप देखोगे पर्पल हार्ट है, दो बोटल्स में मैंने लगा कर रखा है और यहाँ पर दो कांटे मैंने ठोका है, दोनों में यही वाले पौधे हैं, ये देखिए इस तरीके से आप बालकोनी गार्डन में एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों इनकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस तरीके से आप बालकोनी गार्डन में पौधे ऐड कर सकते हो। जस्ट इसके इसके नीचे अगर आप जाओगे, इसके नीचे यानी कि ये जो है इसके नीचे, तो यहाँ पर भी मैंने प्लांट को रखा है, जैसे कि ये देखिए ये है आपका सिंघोनियम का प्लांट है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने लकड़ी के जो पटरे हैं वो बिछा डाला है, और यहाँ पर सिंघोनियम का प्लांट है, ये आपका डिफिरबेकिया का प्लांट है, इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग रेडी कर चुकी हूँ, यहाँ पर एक है और ये भी एक है डिफिरबेकिया का प्लांट, यहाँ पर मनी प्लांट है, मनी प्लांट दो बोतल में है, ये देखिए छोटे छोटे पॉट में भी आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर देखिए इसे भी मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखा है जो कि ये नीचे की ओर इस तरीके से लटक कर आ रहे हैं, इसे टल्टल वाइन बोलते हैं, ये देखिए हैंगिंग बास्केट में ही है, आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा।
तो दोस्तों इस तरीके से बालकोनी गार्डन का आइडिया आपको कैसा लगा। आप अगर प्लांट लवर हो तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये है आपका ग्लैडिया, ग्लैडिया का जो प्लांट है इसे भी मैंने देखे यहाँ पर दीवारों में लटका कर रखा है। और एक एक मैंने इसमें रड की स्टिक डाली है जो इसे बांध दिया है, ये देखिए रस्सी की मदद से। और ये एक जगह पर इस तरीके से है जो कितना ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप गार्डनिंग कर सकते हो और शौक पूरा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।